हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज करेंगे सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना? डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो बात होने वाली है एड्स पेशेंट के बारे में, घुसपैठ की औलाद। और कल आप लोगों ने जो है वो महफिल तो सजी थी, मुजरा करने वाली आई हुई थी, वो आप लोगों ने देख ही ली होगी। सारी तबाफे इकट्ठी होके वहां पर मुजरा कर रही थी, महफिल लगा रही थी। तो आई होप आप सबने एंजॉय जरूर किया होगा उस महफिल को, ठीक है ना? और क्या क्या जो है, कैसे कैसे मुजरे वहां पर हुए हैं, वो चीजें भी आप लोगों ने देख ली होंगी। तो चलिए, अभी कुछ बातों का खुलासा हम यहाँ पर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन पूरा देखकर जरूर जाना। और तो मोहतरमा कह रही थी कि भाई, इस्लाम में जब इंसान आता है तो वो पूरा नया होकर आता है, धुल के साफ होके आता है। देख, तूने तो ये बात नहीं बोली, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जब इस्लाम में या किसी भी धर्म में बाहर से इंसान जाता है दूसरे धर्म से, तो वो समझ लो कि एक किस्म से माँ के पेट से निकल कर आता है, उसका नया जन्म होता है। ये बात तूने ठीक कही कि उसके जो पिछले गुनाह थे वो माफ हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम में आने के बाद, उसके बाद जो तूने गुनाह किए हैं उनका क्या? यानी तू मानती है कि ठीक है, उस पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन आगे के गुनाह जो हुए हैं तुझसे, उनका क्या करेगी? ठीक है, और तू कह रही थी टैटू करके हज उमरा करने जा सकते हैं। यानी तू जानती है कि इस्लाम में टैटू रखना हराम है, नहीं रख सकते, उसके बावजूद तू रख रही है। तो यानी ये तू गलत कर रही है, इस्लाम में ऐसा करना भी गलत है। जानबूझकर किसी बात की नॉलेज है, ठीक है, किसी बात का तुझे ज्ञान है कि नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए इस्लाम में, और उसके बाद भी तू उन चीजों को रख रही है अपनी बॉडी के ऊपर, तो ये भी गलत है, ठीक है। और रही बात तेरे जेठ की, तो तूने जो बोला ना कि मेरे जेठ को लाइव पर लेकर बैठा लो, तो वो चीज हमें करने की जरूरत नहीं है। जेठ तो तेरा है, तू लाइव में बैठा ले उसको, और तू पूरी फैमिली के सामने क्लियर कर दे, पूरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, सोशल मीडिया है, तू बैठा के क्लियर कर दे कि भाई ये मेरा जेठ है, और ऐसे ऐसे जो भी तुझे उससे बुलवाना है तू बुलवा दे, हम लोग देख लेंगे और मान भी लेंगे। और रही तेरे जेठ की रिकॉर्डिंग की बात, तो हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं डाल सकती हूँ उसको। एक मिनट नहीं लगेगी मुझे डालने में, और तेरी धज्जियां उड़ने में भी एक मिनट नहीं लगेगी। अब तू चाहे बहाने बना ले कि भाई किसी, अब तू कह सकती है कि ये तो मेरा जेठ ही नहीं है, कोई और है, किसी और से रिकॉर्डिंग करवाई है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो तू भी जानती है ना, ये रिकॉर्डिंग किस टाइम की है तू बहुत अच्छे तरीके से जानती है, भले ही पब्लिक ना जाने, लेकिन तू तो जानती है ना, ठीक है। तो ये उस टाइम की ही रिकॉर्डिंग है, और है भी तेरे जेठ की, ये भी तुझे पता है। तो अगर तू इतनी सच्ची है तो अपने जेठ को लाइव में लेकर बैठा के उसके मुंह से बुलवा दे कि नहीं भाई, ये रिकॉर्डिंग मेरी नहीं है, मेरे को डालने में एक मिनट नहीं लगेगी, लेकिन मैं नहीं डालूंगी तब तक जब तक कि मुझे जिस बंदे ने वो रिकॉर्डिंग दी है ना, वो बंदा जब तक मेरे को ये ना बोल देना कि भाई हाँ अब तू डाल दे, तब तक मैं वो नहीं डालने वाली, ठीक है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ पड़ा है। और एक और बात, तू कह रही है ना मेरे को कोठे वाली बोलते हैं, मेरे को एड्स पेशेंट बोलते हैं, तो जिन लोगों ने तुझे ये बोला है, मैंने तो नहीं बोला ना तुझे कोठे वाली, कभी मैंने तुझे कभी बोला कोठे वाली नहीं बोला, लेकिन तू सिंपथी कार्ड खेलती है तो तू फिर सबका मिक्स मैच कर देती है, तो मैंने नहीं बोला तुझे कभी कोठे वाली। हाँ, मैंने एड्स पेशेंट जरूर बोला है। तो जिसने एड्स पेशेंट बोला तेरे को, और जिसने तेरे को कोठे वाली बोला था ना, तुझे पता है कि किन लोगों ने बोला था? तो उन लोगों ने भी बहुत सोच समझ कर बोला था, कुछ तो तेरे अंदर ऐसा क्वालिटी देखी होगी उन लोगों ने कि तुझे बोला वो चीजें, है ना, और शायद इसीलिए वो बातें तुझे चुभती हैं आज भी। लेकिन बोलने वालों ने बिल्कुल सही बोला था। और जिस अपनी, उसको क्या हुआ, अकेले लाइव में आते वो फटती है क्या तेरी? अकेले अकेले लाइव में नहीं आ सकती थी? अपने उनको साथ में लेके आई थी मैं, फिर सजाने के लिए, मुजरा करवाने के लिए अपने उन तबाइफों को साथ में लेकर आई थी, है वहां उनके बिना तो तेरा सरता नहीं है ना, जहां भी जाएगी उनको साथ में लेके जाएगी। तो अगर ऐसा ही था तो अकेले आ जाती, लेकिन नहीं, साथ में अपने लिए गवाही लेकर आई थी, साथ में अपने लिए सपोर्टर खड़े करके लेके आई थी, अकेले आने में तो तेरी शक्ति है। और एक और बात, तू कह रही थी ना कि इज्जतदार घर की औरतों ने जो है वो सोशल मीडिया पर गाली खाई, तो सोशल मीडिया पर गाली मुझे एक ही जो आ रहा है ना उसमें दी थी,
ठीक है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई गाली दे सके सोशल मीडिया पर, तेरे अलावा तू और वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसी तू है उससे चार गुना वो है जिसने वो बोला था, और वहां पर आग भी लगाने वाली तू ही थी। तू कह रही थी ना लाइव 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 देखकर बड़ा मजा आया, तो वो आग लगाने वाली भी तू ही थी, तू ही गई थी ना उसको वहां पर लेकर, तू ही गई थी ना वहां पर, जो तूने डाले थे स्क्रीनशॉट, देखो ये बोल रहा है वो बोल रहा है झूठ, वहां पर तू बोल के आई थी मेरे बच्चों को ये बोल रहा वो बोल रहा है ना, तो वहां पर लगाकर आई थी वो आग, इसीलिए वो लाइव आई थी हरामी। लेकिन कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुझ में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क है कि वो तेरे से चार गुना आगे है, ठीक है, और इसके अलावा ज्यादा कुछ फर्क है नहीं तुम दोनों में। तो वहां पर आग लगाने वाले भी तू थी। और एक और बात तू कह रही है ना कि कुलसुम शबनम है ना, और तीसरी का तुमने नाम लिया था उसका आर का, तो उसको तो खैर चलो छोड़ो, उसको तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो पहली औरत थी जिसने मेरे को सोशल मीडिया पर गाली दी, और उसने क्यों गाली दी है ना, क्योंकि तू वहां पर आग लगा के आई थी, एंड अदरवाइज वो गाली नहीं देती, एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए नहीं देती जहां तक मुझे लगता है, लेकिन तू वहां पर आग लगाकर आई थी, और जो तेरे चमचे है ना वो आग लगाकर आए थे। और रही बात कुलसुम और शबनम की, तो एक बात तुझे बता दूं, उन्होंने मुझे गाली नहीं दी थी, उन्होंने मुझे गाली नहीं दी थी, उन्होंने तुझे गाली दी थी, तुझे गाली दी थी, क्यों? क्योंकि तूने अपने उसमें ये लिखा था, जो तेरा थंबनेल है ना, अभी भी जाकर चेक कर लेना, तूने वहां पर ये लिखा था कि कुलसुम नायक कर रही है किसका, वही जो क्या नाम है उसका, फूरा वाला का सपोर्ट, ठीक है, तो वो तूने लिखा था, वो गालियां तुझे मिली है, जाकर दोबारा लाइव, खैर अब तो होगी नहीं उनकी, लेकिन अगर तूने देखी होगी तो तुझे पता होगा, वो लोग ये बोल रहे थे कि जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि मैं इसका सपोर्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो वो तेरे लिए बोला गया था, क्योंकि मैंने तो अपनी किसी वीडियो में बोला ही नहीं, तूने भी नहीं बोला, लेकिन तूने थंबनेल लगाया था, तो उस थंबनेल को देखकर ही तुझे वो गालियां दी गई थी, तो अपनी गालियों का क्रेडिट मेरे सिर पे मत फोड़। अब क्या कहते अपने आपके पाप का जो तेरा घड़ा है ना, उसको मेरे सिर पे है, उसकी टोकरी मत फोड़, ठीक है, समझ में आई बात। और क्या बोल रही थी कि तेरे बारे में जानते क्या है, तूने जॉब क्या किया है, तू क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर ना मैं तेरा एड्रेस विद पिन कोड डाल सकती हूँ मैडम, ठीक है ना, विद पिन कोड में डाल सकती हूँ, लेकिन मैं डालना नहीं चाहती, समझ में आई, नहीं तो जिन लोग जो लोग अभी तक तेरे एड्रेस के पीछे पड़े हुए हैं ना, जिन लोगों को मैंने अभी तक तेरा एड्रेस नहीं दिया, वो तेरे घर पे पहुंच के तेरा क्या हाल करेंगे तुझे पता भी नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पिन कोड के साथ एड्रेस डाल सकती हूँ, वो कौन सा रोड है, नियर कौन सी मस्जिद है, कॉर्पोरेटर कौन सा है ना, तो मेरे को सब पता है, समझ में आई बात, ये एड्रेस वेड्रेस शाहगंज में मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे को हाउस नंबर तक, कौन से घर के अंदर तू रह रही है ना, मेरे को सारा पता है, तो इतना मत इतरा कि तेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और एक और बात, अभी कुलसुम की बात चली हुई थी ना, तो जब कुलसुम ने तेरा बेटा बीमार था ना, वो मर रहा था ना, अभी तो देख अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था तेरे बच्चों के लिए, लेकिन अब तो सुन, अब तुझे जो जो सुनना है ना तो सुन, तो जब वो बीमार था ना, तो तू गई थी, और उसने कुलसुम नायक ने बोला था, तेरे बम्बू बजवाया था पीछे कि भाई मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए कुछ मत बोल, तो तू उसके आगे रोई थी, मेरा बेटा बीमार है, तो उसने तेरे को 5,000 रुपए दिए थे उस टाइम पे, है ना, तो उसी कुलसुम तो, और तेरे पास वीडियो भी पड़ी है ना, एक औरत का सपोर्ट करती है वाली, है ना, तो उसी कुलसुम नायक के बारे में, जो तेरी एक फ्रेंड थी, यहाँ की नहीं है बाहर की है, उसके पास जाकर तूने क्या क्या बोला था, वो सारी जो है रिकॉर्डिंग और चैटिंग, कुलसुम नायक कैसी है कैसी नहीं है, है ना, क्या कुछ तूने बोला है, वो सारी मेरे पास पड़ी हुई है, और कुलसुम नायक का नंबर भी मेरे पास है, तो तू बोले, अगर तू बोले तो मैं भेज दू उसको कुलसुम नायक को, जितनी तो उंगली करेगी ना अपने लिए तो उतना ही गड्ढा खोदती जा रही है, मैंने तेरे को उंगली नहीं करी थी, तू खुद उंगलियां कर करके आ रही है, ठीक है ना, और मैंने तो बोलना भी बंद कर दिया था, मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाई थी, लेकिन फिर तूने 111 की आड़ में अपने लिए सिंपथी लेना शुरू किया और बहुत कुछ बोला, है ना, तो इसीलिए मैं दोबारा आई, नहीं तो मैंने छोड़ दिया था ना तुझे, लेकिन शायद तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना कि भाई मेरे पास कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, इसीलिए तू कल बैठ के तूने वो महफिल सजाई मुजरा करने के लिए, तेरे पास कोई कॉन्टेंट नहीं है। और रही बात की
तूने मतलब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है इसीलिए हम तेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो तुझे जो जैसा सोचना तू सोच सकती है, लेकिन ये जो तू बार बार आके उंगलियां करती है ना इसीलिए मैं बोलती हूँ आके, ठीक है। मैं रेगुलर तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब जब तू उंगली करती है मैं बनाती हूँ, तो तू बोले तो वो रिकॉर्डिंग में भेज देती हूँ कुलसुम नायक को। नंबर भी मेरे पास पड़ा हुआ है कुलसुम नायक का, सोशल मीडिया में सभी के पास है कुलसुम नायक का जो नंबर है। तो अभी तो और उंगली करेगी ना मेरे को, तो तू उंगली कर मेरे को और फिर मैं आगे वो भेजती हूँ रिकॉर्डिंग, और उसके बाद देख तेरी कैसे बैंड बजेगी जो 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 तूने बोला हुआ है। और रही बात ये जो तू सिंपथी कार्ड खेलती है ना बहुत अच्छे तरीके से, जो तू ये कल दुपट्टे वाली बात भी तू ले रही थी, तो दुपट्टे की बात मैंने ये कही थी कि भाई तू एक डेढ़ साल से दुपट्टा ले रही है, उससे पहले तू दुपट्टा लेती थी तू सिर पर दुपट्टा नहीं लेती थी, तू सिर्फ अपनी बाजू ढकने के लिए दुपट्टा लेती थी। अभी की बात मैं नहीं कर रही, पहले की बात, पहले के अपने ब्लॉग देख ले जा करके, ठीक है ना। तब तो सिर्फ बाजू पे दुपट्टा ढकती थी ना कि अपने सिर पे दुपट्टा लेती थी, पुरानी वीडियोस देख ले अपनी जाके, शायद तू भूल गई होगी। तो ये बातों को तोड़ मरोड़ के और घुमा के लोगों के सामने पेश मत कर। और क्या हुआ, सच्चाई देर से सुनी नहीं जाती ना बिल्कुल भी। वो एक बंदा है बेचारा, एक भाई है जिसकी बेटी को ट्यूमर था, हॉस्पिटल में था, वो तुझसे अपने ही पैसों की भीख मांग रहा था, उसने खुद तेरे को वो पैसे दिए थे और वही वो मांग रहा था कि भाई मेरी बेटी बीमार है हॉस्पिटल में है प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो, तो तूने वो पैसे वापस नहीं किए और उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए कि भाई वो तो मेरे ऊपर बुरी नीयत रखता है, ये करता है वो करता है, ठीक है। तो तू कैसी और कितनी घटिया औरत है कि एक बीमार बच्ची के नाम के पैसे तू खा गई और आज तक तूने वापस नहीं किए हैं उसके पैसे, तो यहां से ही पता चलता है कि तू कितनी घटिया औरत है। और उस बंदे के कमेंट तो तू उड़ा ही देती है, अगर तू इतनी ही सच्ची है तो क्यों उड़ाती है रॉन्ग कमेंट, रखना अपनी वीडियो में ताकि लोगों को तेरी असलियत पता चले। तो वो तो तू 10 सेकंड भी अपनी उस पे रखने नहीं देती है उसके कमेंट, मैं यहाँ पर लगा दूंगी कमेंट, आप लोग देखिएगा कि लोग क्या क्या इसको कितनी गालियां देते। और तू गालियों की बात कर रही है ना, अभी रिकॉर्डिंग सुन, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, आप लोग सुनिए कि इसको किसने कैसी कैसी गालियां दी है। हेलो आयशा चूतिया साली रंडी, सुन अब ठीक से सुन। ए तेरी माँ की चोदो, सुन गए यहाँ, इधर आ बेंगलुरु मेरे जोर को न सब भी बताता हूँ, तुझे भी मैं मरद बन को चोद को बताता हूँ, आगे तेरी माँ की चोदो बेंगलुरु को आगे, तू आगे आगे तेरे रान गए तेरा चूत है ना पड़ जाना वो हिसाब से चोद तू आगे। मेरा नाम भी सुन ले गए, मेरा नाम अंतोनी गए, समझ में आ रहा चोदे बाद अंतोनी अंतोनी छोड़ो छोड़ो कना जब भी पटे तक चोदते रहा तुम्हें। तो देखा आप लोगों ने, सुना कि इसको कैसी कैसी गालियां जो है वो पड़ी हुई है सोशल मीडिया में, ठीक है। और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें कि इसकी इज्जत उतारी गई है बहुत अच्छे तरीके से। मैं चाहूँ ना मैं सारी डाल सकती हूँ यहाँ पर मैं डालकर अपने चैनल के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। पहले ही इस घटिया औरत ने जो है ना वो रिपोर्ट मार दी है मेरे चैनल के ऊपर, इसीलिए मैंने इसको कल ये बोला था कि अगर तू मेरे चैनल को कुछ हुआ तो मैं तेरा चैनल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इसने ये बात नहीं बोली कि भाई मैंने रिपोर्ट मारी है इसीलिए ने ये बात बोली, इसने उसमें भी सिंपथी कार्ड खेला, इसने ये बोला कि मुझे बोला जा रहा है कि मेरे चैनल उड़ा दिए जाएंगे। लेकिन वो बात क्यों बोली थी ये तो तूने पब्लिक को नहीं बताई ना, इतनी सच्ची है तो ये भी बता कि मैंने इसके चैनल पर रिपोर्ट मारी है इसीलिए ये ऐसी बात कर रही है। मैं यहां पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूं, कल की वीडियो में मैं लगाना भूल गई थी, आज लगा रही हूं, आप लोग देख लीजिए कि इसने रिपोर्ट मारी है मेरे चैनल पर, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको ये कहा था कि भाई अगर मेरे चैनल को कुछ हुआ तो तेरा चैनल भी नहीं बचेगा। और बेटा अब जितना भी जो कुछ भी मेरे पास पड़ा हुआ है ना, अगर मुझे जरूरत पड़ी ना, तेरा आधार कार्ड, तेरा तूने केस करना है तू कर, तूने जो कुछ करना है तू कर ले, तू अपना क्या कहते हैं उसको एडी चोटी का जोर लगा ले, तेरा आधार कार्ड क्या, तेरा एड्रेस क्या, तेरा जितना भी मेरे पास कुछ भी पड़ा हुआ है ना सब कुछ डालूंगी सोशल मीडिया पर। अब तूने उंगली करी है ना तो अब देख, क्योंकि मैं जब जब शांत होती हूँ ना, जब जब तुझे पता नहीं क्या लगता है कि भाई हाँ पता नहीं क्या है, शायद तेरे पास बात वही है ना कि कंटेंट नहीं है, तो कल लाइव आने का तुझे कंटेंट मिला ना, अब तो रोज ऐसे ही आके लाइव बैठी कर रही। बात बीमारी की तो हाँ क्या झूठ बोला था, सच्ची बोला था, बीमारी का बहाना ही तूने लगाया है, क्योंकि कल के ब्लॉग में तो तू सुबह तो तू मर रही थी, बिल्कुल मरने वाली हो रही थी कि अभी मरेगी या अभी मरेगी, लेकिन रात को जब तू लाइव आई तब तो तू बिल्कुल अच्छी थी, तब तो तू बिल्कुल ठीक ठाक थी, तब तो बिल्कुल सब बढ़िया था। तो फिर वो नाटक ही था ना, वो तो ढोंग ही था ना फिर बीमारी का, वो तो था ही ना कि हाँ अब मैं यूट्यूब से भाग जाती हूँ, अब मैं ये कर लेती हूँ, तो फिर इसीलिए तूने बीमारी का बहाना ढूंढा है कि नहीं।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और देखते रहिए वीडियोस को। अब जैसे जैसे आगे आगे ये अपना गटर जैसा मुंह खोलेगी ना, वैसे वैसे आप लोगों को प्रूफ भी मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने। अच्छा एक 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 एक, एक और बात ये बताओ, मेरी लिपस्टिक कैसे लग रही है? ओहो सॉरी सॉरी, आप लोग तो आज मुझे देख ही नहीं पाओगे, तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि आज मैंने कौन से कलर की लिपस्टिक लगा रखी है। तो अपना पुरानी वीडियोस जाके देखिए, उसमें देखिए ना मैंने कितने अच्छे अच्छे कलर वाली लिपस्टिक लगा रखी है ना। लिपस्टिक से एक और बात याद आई कि सोशल मीडिया पर बैठकर जो है वो पराए मर्दों को फ्लाइंग किस देती है ये मोहतरमा, और इस्लाम वाली बन रही है ना। तो ऐसी कौन सी इस्लाम वाली औरत है और दीन और ईमान वाली औरत है जो सोशल मीडिया पर बैठकर गैर मर्दों को फ्लाइंग किस दे रही है? अब ये बोलेगी कि अरे वो तो मेरा भाई था, मैंने तो उसको भाई भी बोला था। तो भाई तो बहुत तो लोगों को बोलती है, भाई तो तूने सरफराज को भी बोला था, और फिर सरफराज के लिए तूने कितनी गंदी बात बोली थी ये भी तो तुझे याद ही होगा, या फिर भूल गई। बेशक तू भूल जाए लेकिन पब्लिक नहीं भूलती है ना। तो चलिए जी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।